गौण जाति की समस्याओं को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनुसुईया उइक की अध्यक्षता में एक बैठक सर्किट हाउस के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, एसपी सिटी विनय कुमार सिंह सहित सभी एसडीएम व संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में गौण जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिए जाने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान गौण समाज के दुर्गा गौण ने कहा कि अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं होने से गौण समाज के लोग लाभकारी योजनाओं से वंचित रह जा रहे हैं, जिस पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में डीएम से बात कर समस्या के समाधान की बात कही, जिस पर डीएम ने कहा कि शासनादेश के आधार पर जांच किए जाने के बाद सही पाए जाने पर इन लोगों को प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। और जब हम प्रमाणित हैं तो हमारे अलावा कोई है नहीं, इसलिए कि हमारा खुद का 1980 का प्रमाण पत्र है, पाँच गाँव तहसील में कम से कम 500 के रूम का प्रमाण पत्र इशू है। ये जो इशू अब क्रिएट किया जा रहा है तो खत्म हो गया, उसके लिए हमने एविडेंस दिया 1891 का सेंसस और माननीय मुख्यमंत्री जी का लेटर भी आया हुआ है, उसमें हमने मैडम दिया हुआ है, उस पर कोई फंडिंग नहीं आई कलेक्टर साहब एडमिनिस्ट्रेटिंग अपने जनजाति के प्रमाण पत्र प्रस्तुत हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर प्राप्त आवेदन पत्रों का प्रत्येक मामलों में प्रत्यक्ष प्रथा उनके संबंध में नियमानुसार शासन निर्देश की मंशा के अनुरूप विधिवत जांच पड़ताल निरीक्षण कर गौण जाति का पाए जाने पर ही अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। अतः श्री दुर्गा प्रसाद गौण अध्यक्ष समाज उत्तर प्रदेश की वासी गोरखपुर गोरखपुर द्वारा दिनांक 12/12 को दिया गया प्रत्यावेदन तद अनुसार निष्पादित किया जाता है। कहते हैं कि जब तक स्क्रूटनी कमेटी ये होल्ड नहीं करेगी कि जिनके अभिलेखों में राजस्व अभिलेख में कहाँ दर्ज है और डिस्ट्रीब्यूशन आप कहाँ में उल्लिखित मूल जातियों की जांच में वो धुलिया पाए जाने पर अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र गौण का दे दिया जाए, तब तक हम जारी नहीं करेंगे। नंबर टू जो बेनी कम टू ये सब का रिजर्वेशन का प्रश्न है, बहुत है मतलब मान लीजिए वो सर्टिफिकेट है तो पक्का नौकरी मिलेगा पक्का कहीं पॉइंट लगे इंटर यूनिवर्सिटी हम लोग को बताते हैं चार लाख में हम लोग नहीं करो 1932 का जो पहले खास सेंसस ड्यूरिंग थी जो ब्रिटिश टाइम हुआ है उसी में कितने लिए हैं जो वो हम लोग पास थोड़ा लाख में करो, फिर उसके बाद 1359 पत्री का जो उन लोग का सरनेम यूज करते हैं वो है ना उससे हम लोग एवरेज मिल रहा है। तीसरे हम रोटी पेट के संबंध उन लोगों का देख रहे हैं किसी का वो पता है, उसके बाद हम जो मौके पर पहुँच के मैम उसको छुआ छूत है कैसे करते हैं ये लिनिएज करा करके वो हम डिफेंड करके रिपोर्ट प्रस्तुत करके करते हैं, ये हम लोग का बेसिक सिस्टमेटिक तरीके से। ये जो इन्होंने आपसे बात सुनी दुर्गा प्रसाद जी इस पर इन्होंने स्पष्ट भी आपने अभी स्पष्ट भी किया है कि स्थानीय तौर पर रोटी बेटी का छुआ छूत का ये तमाम सारी चीजें अगर ये मिलती जुलती है केवल 1956 या 56 में ही केवल दर्ज जो है वही सब कुछ नहीं है, और अगर ये दस्तावेज अगर प्रस्तुत करते हैं तो निश्चित रूप से जारी होगा, उसकी क्या बात है? नहीं जारी होता सर, इसमें ये है कि ये सब सारे रिजेक्ट किए गए हैं, ये सब सारे रिजेक्ट किए गए हैं, जबकि इतने ये सर्टिफिकेट जो है लगे जो है ये इसमें जो लोग एप्लीकेशन केवल पूछताछ में ही ये करते हैं, अगर ये जैसे कि उनका ये जो दस्तावेज ये जाति का जैसे गोल्ड लिखा ही हुआ अब इसको कहार के रूप में किस आधार पर मान रहे हैं कि ये कहार हो सकते हैं, जब अगर ये लिखा ही है स्पष्ट इनके दस्तावेज में ये दस्तावेज में है जी सर जी ना मैम वो ही तो मैं एक्चुअली मैं ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद कारण होता है मैम किस कारण से रिजेक्ट होता है वो सर सर वादा के कारण स्पष्ट लिखा रहता है सर वो उसमें उसमें सर जो कारण दिखाया जाता है सर आपके पास रिजेक्शन वाले एप्लीकेशन है उसी में लगा हां सर लगा हुआ सर एक मिनट इसमें मेनली ये पहले अगर ये दस्तावेज भी होते हुए भी वो इसको ना मानते हुए
अभियान के ऊपर से तकरीबन 1000 वो उन्होंने फर्जी जारी किए, मतलब खारिज किए।